दीदी हैं जीजा जी पूजा रुद्रा की एंगेजमेंट में दिख नहीं, शादी में कहीं वो दोनों की शादी में क्यों नहीं। ओके ये कैसा शादी है भाई, मीरा सिंह का मैसेज आई, कैसा शादी है। हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज आज सबसे बढ़िया गल है कि आज अंजलि का बर्थडे है। आज कितना तारीख है? 5 तारीख बाबू। यार मेरा 6 तारीख का है बर्थडे। यार अंजलि पहले क्यों नहीं बताया यार, वैसे ही मैं मतलब कि सुबह सुबह उठ करके हैप्पी बर्थडे चिल्ला रहा हूँ यार, दिखा ना। 5 तारीख है यार आज तो। क्या यार पोपट हो गया यार मेरा सुबह से मुझे हैप्पी बर्थडे अंजलि। तो उस टाइम क्यों नहीं बोला तूने? नींद में थी ना मैं, क्या कहीं डेट गलत तो नहीं हो रहा, मैं गलत तो नहीं सोच रही। आई एम कंफ्यूज यार, 5 तारीख है ना, 6 तारीख में रियली मैं कंफ्यूज। बस आपको इतना डर है कि मतलब एक दिन बाद नहीं एक दिन पहले ही विश किया। अब देखना मैं कल विश नहीं करूंगा, कल मैं भूल जाऊंगा। तो गाइज काफी टाइम से मतलब काफी टाइम से नहीं, ब्लॉग तो आ ही रहा था बट परसों गैप हो गया। हाँ, हुआ ये था कि थोड़ा सा बिजी सी के है ना, काफी दिन हो गए तो ब्लॉग बनाया नहीं, तो याद था नहीं ब्लॉग भी बनाना है। वो तो अंजलि एडिटिंग करके मैरिज वाली वीडियोस डाल रही थी। नाउ फाइनली मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ा, वहाँ काफी टाइम मुझे लग गया। राइट, ठीक है, तो इस वजह से कुछ एडिट या फिर ब्लॉग नहीं बन पाया। तो मनी की तो हालत खराब हो गई थी, धूप में खड़े खड़े बाहर वेट कर रहे थे। तो राइट, आज हम बात करेंगे कमेंट्स के ऊपर कि आप लोगों ने शादी वाले वीडियोस पे क्या क्या कमेंट किए, क्या क्या क्वेश्चन किए, कुछ अच्छे कुछ खराब, कुछ क्वेश्चन कुछ आंसर, उस पे आज बात करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो ये है मेरी कातिल मेरी दिलदार, है ना। हाँ। मेरा कातिल मेरा दिलदार, शी इज अ गर्ल, है ना। तो इन्होंने मैसेज किया, हमारा रेगुलर वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। और रियली मतलब आप लोगों ने कहा था कि नहीं मैरिज वाले वीडियो डालो डालो डालो, तो दैट्स व्हाई डल चुका है। ओके, इन्हीं के मैसेज ये भी है कि रणवीर कितना क्यूट लग रहा है। हाँ वो छोटू सा था, बहुत क्यूटू सा था, है ना, और बहुत क्यूट था, अब तो बहुत बड़ा हो गया पूछ से भी। एक और मैसेज आया था ममता जी का, है ना, महिमा यादव। महिमा मेरा चश्मा ले गया भाई, महिमा यादव जी का मैसेज ये था कि सारे वीडियो अपलोड करने के लिए तो तुरंत पॉसिबल नहीं था, बिकॉज मुझे उसे एडिट करना पड़ रहा था, और ये इस फोन में सारे वीडियोस तो वैसे भी नहीं उठा रहा था पेन ड्राइव का। राइट, तो स्पेस कम थी और सारे वीडियोस मतलब लोग एक्साइटेड थे कि इसके आगे क्या होगा आगे क्या होगा, सो दैट्स व्हाई कमेंट आ रहा था कि जल्दी जल्दी डालो आप। इसी में दिव्या गुप्ता का भी मैसेज था, नाइस, थैंक यू सो मच। उसके बाद है दीपक कुमार ठाकुर, कौन सा पूजा था ये? तो जो भुइया बाबा का पूजा था ना, कुछ लोग तो कह रहे थे कुल देवता का पूजा है ना, तो वो भी ठीक है कुल देवता, बट कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि भूत खिलाने वाला। वैसे तो मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया क्योंकि कोई भी वो कमेंट मेरे घर वाले ही पढ़े तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, कोई गल नहीं, मतलब अपनी अपनी थोड़ी सी थिंकिंग है कि क्या सोच रहे आप, बट वो हमारे यहाँ पूजा होती है तो वैसी ही होती है, ठीक है ना। आप और मैं हम चेंज नहीं कर सकते किसी चीज को, जो कल्चर चलते आ रहा है, परंपरा है हमारे घर का। तो अब है डलिया सरकार, इनका है कब से शादी का वीडियो इंतजार था, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वॉच किया। राइट राइट, सारे ही रेगुलर तो वैसे। और कुछ टाइम से कमेंट का आंसर भी नहीं गया है, तो प्लीज आप लोग नाराज ना हो क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, फोन मेरे पास होता है और ऑफिस में मैं अभी फोन यूज नहीं करती क्योंकि नई नई मेरी ज्वाइनिंग है। आज मैं करूंगा कमेंट का रिप्लाई, सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा मैं टाइम निकाल के। तो ओके, एक और है बैक टू बैक व्लॉग, वाह मतलब अंजलि ने बैक टू बैक डाल दी थी। हाँ, मतलब वो ये था कि जैसे एक्साइटेड नहीं, जैसे ही एडिट हो रहा था वैसे ही मैं अपलोड कर दे रही थी। ओके, नेट का भी थोड़ा सा पंगा पड़ता था, नहीं होता था तो फिर नहीं हो पाता था। रागनी शर्मा जी का कमेंट है कि भैया पूरा व्लॉग डाल दो, मतलब वही बात है कि सारे डाल दो, मतलब इतने एक्साइटेड थे लोग। लवली राज, बहुत हंसी आता है हल्दी में, लवली जी कह रहे हैं हल्दी में हंसी आती है। ओके, ये कैसा शादी है भाई, मीरा सिंह का मैसेज आई, कैसा शादी है,
हम कहा बताए कैसा शादी है, बस जैसा है वैसा है, वही वाली बात है जो हमारा कल्चर है बिहार का, है ना। तो मतलब जिस एरिया का कल्चर होता है थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग डिफरेंस, बट जो लोग जैसे मानते हैं बस वैसे ही चल रहा है। भैया हल्दी लगाना कैसा लगता था? लवली जी का क्वेश्चन है, मतलब कैसा लगता था? आई एम वेरी इरिटेटेड सीरियसली, मतलब हल्दी गर्मी ये लगता है आप लोगों का कल कुल देवता का पूजा है, राइट? तो इन्होंने सीमा राज जी ने कमेंट किया था, ओके अनिल कुमार, प्लीज डोंट माइंड, बट आप लोग कौन कास्ट हो, मैंने अभी तक शादी में इस टाइप का पूजा नहीं देखा, ओके इसी कास्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है, हम कास्ट पे नहीं जाते हैं कि किसका कौन सा कास्ट है, ओके तो पूजा पाठ कास्ट देखकर नहीं होती है, राइट? तो मतलब हम वैसे हम राजपूत हैं और बिहार में रहते हैं, घर है हमारा, है ना, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे ऐसे ही होता है, इसे भुइया बाबा का पूजा कहा जाता है। और ये मन्नत वाली पूजा होती है, जब आपकी मन्नत पूरी होती है, आपने मन्नत माना हुआ है पूरा होने के बाद आपको ये पूजा करानी होती है। त्रिवेणी, इनका लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आएगा बट धीरे धीरे थोड़ा सा लग जाएगा पता कि हलाल हो चुका है बंदा। मैंने तो वैसे ही किया, जैसे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट था, मैंने पार्ट टू पार्ट डाला है, ये नहीं था कि बाद का काट के पहले डाल दिया, पहले का काट के बाद में डाल दिया, एकदम आपको समझ में आएगा पूरा देखने के बाद, ओके मजा आ गया, इंटरेस्टिंग फॉर अपकमिंग वीडियो। तो ये दलिया सरकार जी का है, इन्होंने भी लिखा है कि मजा आ गया, तीन दिन से बिहार में इंटरनेट बंद था, ओ माय गॉड, झकास बिहारी। मैं ब्लॉग डाल रही थी ना, मुझे भी पता था, मेरी भी मम्मा भी बिहार में, या मम्मी जी भी बिहार में है, तो पता लगा था कि वहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, सो वो लोग भी वीडियो नहीं देख पा रहे थे, राइट? तो मैंने, मेरे को लगा कि मैंने डाल के गलती कर दी अभी वीडियो, कि वहाँ पे जो लोग है वो नहीं देख पाएंगे, फिर मैंने सोचा कि चलो जब चलेगा तब खुद देख लेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच, स्मार्ट लिखा है मुझे वही झकास बिहारी जी ने, है ना। लेकिन पूजा कहाँ है वीडियो में, खुशबू यादव जी का आया है। अनुराधा सोनी भी लिख रही है पूजा दी नहीं दिखी, ओके पूजा उसी में थी, अगर ध्यान से आप लोग पूरे वीडियो देखो पूजा तो कहीं कहीं दिखेगी आपको, मतलब वो कैमरे के सामने कम आती है, मतलब पहले अब ज्यादा आ गई है, दोनों बहनें भी थी बिजी, शी इज बिजी इन वर्क, है ना, जिसके घर में शादी होती है वैसे ही सारे लोग बिजी होते हैं, राइट। मनीष की बहुत एज में शादी हुई थी इसीलिए दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जी, बहुत एज में तो नहीं, मतलब आई एम 25 अशोर, मतलब 25 इयर्स के थे उस टाइम मनी, तो है ना शादी हुई थी। पूजा दी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, रागिनी शर्मा जी ने लिखा है, तो वही मैं कह रहा था कि वो सी इज बिजी कहीं कहीं, पूजा दी नहीं आपकी शादी में, ओ माय गॉड, नहीं है पूजा जी है पर दिखाई कम दे रही है। आप बिहार में कहाँ से? मैं सिवान से हूँ, रिंकी जी ने लिखा है, सो मैं बता दूं मैं कहाँ से हूँ, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बोलिए ना, नामीडी गांव का नाम है हमारा। दीदी भैया बाबू का पूजा पूरे बिहार में नहीं होता है, भैया बाबू का पूजा बिहार में नहीं होता है, हाँ इन्होंने बताया कि भैया बाबू का पूजा पूरे बिहार में नहीं होता, राइट, हाँ मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके बाद थैंक यू, बेहद खूबसूरत मोमेंट जी, तुम्हारे लिए कमेंट आया ना, चुनरी डाल के रखा हुआ तुमने, ओके ओके ओके। अरे मेरे को जब हल्दी लग रहा था मैंने बोला था कि मुझे सूट पहन के हल्दी लगवाना है। मिति राजी ने लिखा है वी ऑल एंजॉयिंग योर वीडियो, थैंक यू सो मच, आज का व्लॉग अच्छा लगा, फनी। दीपक कुमार ठाकुर, आज का व्लॉग अच्छा लगा, फनी भैया के साथ आज आप दोनों का झगड़ा मिस करता हूँ। अच्छा जिस टाइम शादी का वीडियो मैं डाल रही थी उस टाइम वो हमारे झगड़े ब्लॉग नहीं डल रहे थे, सो राइट, थैंक यू। हृदय में बसने वाला सबको मिलता है लेकिन हृदय को समझने वाला भाग्य से मिलता है, झकास बिहारी ने लिखा है, इनको बिल्कुल भी नहीं मिला, नहीं मिल गया हमको, बस यही है बसने और बसाने वाली दोनों। शादी में डीजे वाले गाने बजा दिया जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी, फनी, ओके वहीं हुआ होगा ऐसा। इन्होंने लिखा है कि शादी में डीजे वाले ने ना गाना बजा दिया कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, मतलब कि वो गाना बजा दिया जो इंडिपेंडेंस डे वगैरह पे जो गाना बजता है, बहुत तो गर्मी लग रही है, बाप रे। शादी और सगाई के बूच क्या लिखा है, हम लड़खड़ा रहे हैं बोलने में।
शादी और सगाई के बीच कुछ दिनों का अंतराल क्यों रखा जाता है? ताकि कोई ये ना कह सके कि मुझे हादसे से बचाने का मौका नहीं दिया गया, झकास भी आ रही नहीं का मौका नहीं दिया गया। तो मैं मौका मैंने ढूंढा था, मतलब राइट, बट नहीं मिल पाया मौका। मुझसे कह देते, मैं मौका दे देती। है रजनी शर्मा, रागिनी, हाँ रागिनी शर्मा, आपके और रणवीर के बिना तो ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है। रणवीर के यहाँ अभी जाएंगे, मिलेंगे उससे सून, आई थिंक इसका बर्थडे कल, तो मिलेंगे हम लोग। खुशबू कुमारी, सिंपल लाइफस्टाइल विद किचन, खुशबू कुमारी, थैंक यू, इनको भी अच्छा लगा हमारा वीडियो। तुम ही बोल लो फिर। अच्छा आप बोलो। शोभा कुमारी, दीदी बहुत अच्छा और ज्यादा टाइम का वीडियो बनाइए, अब तो जी जो होना था वो हो गया है ना। मुन्ना कुमार, बाकी एक वीडियो ऐसा आएगा हमारा जिसमें स्टार्टिंग के पार्ट से लेकर लास्ट तक होगा, शॉर्ट वीडियो में ही, मतलब कम से कम 30-40 मिनट का वीडियो होगा, हम ऐसा ही वीडियो लाएंगे, बट उसके लिए मुझे एडिट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, सो आप लोग मुझे टाइम दो, फिर मैं करूँगी। राइट, हाँ भैया जी, अभी मटकोर है भैया जी, मस्त लगता है मटकोर, इनको बहुत मस्त लगता है, भाभी जी मस्त लगता है। अच्छा, हमको भैया जी लग रहा है। ओके, आपका कल भी और आज भी थंबनेल में स्पेलिंग गलत लिखा है। हाँ, गिढ़ारी था ना, और मैं गिढ़ारी लिख रही थी, तो मुझे पता नहीं था गिढ़ारी होगा या गिढ़ारी होगा। रोहित ने लिखा है, आपकी सिस्टर पूजा कहाँ है? रोहित ने लिखा है, मुनी भैया तो फटाफट निपटा रहे हैं, लगता है शादी की बहुत जल्दी है। सही बात है भाई, हम बहुत फटाफट निपटा रहे थे, जिसको समझ में नहीं आ रहा था उसको हम बोल रहे थे भाई ऐसे ऐसे करना है, जल्दी मेरे को करके बस साइड करो उधर। मटकोर का फुल टाइम वीडियो ओरिजिनल वॉइस औरत का गीत, भोजपुरी फिल्म, तो इनका कमेंट है। मतलब जो गीत होता है ना वो सीरियसली मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, और मुझे खुद नहीं समझ में आता लोग गा क्या रहेगा, कौन सा गीत गा रहे हैं। फ्यूचर में तुमको गाने के लिए लेके जाएंगे तो कैसे गाएंगे? मुझे तो एक लाइन भी नहीं आता गीत, मुझे क्यों लेकर जाएंगे, मैं फिल्मी गाना सुना के आ जाऊंगी। ओके, एक और कमेंट आया, 4 दिन बाद आपका वीडियो देखा हूँ बिहार में 13 देख रही हूँ। हाँ। बिहार में 13 डिस्ट्रिक्ट में नेट बंद था। ओ माय गॉड, कैसे लोग जी रहे थे बिना इंटरनेट। मैं होती ना तो मैं पागल हो जाती, मैं बिना नेट के नहीं रह सकती। मुन्ना कुमार ने लिखा है, बिल्कुल भैया जी हल्दी के बाद, बिल्कुल भाभी जी हल्दी के बाद हमारे यहाँ भी नहीं नहाते, जैसा कि मैंने बोला ना कि हल्दी के बाद नहीं नहाते मेरे तरफ। आप भाभी को भैया जी क्यों पढ़ते हैं? रूपा कुमारी जी ने लिखा है कि बारात का वीडियो कब आएगा, सून आ चुका। लवली राज ने लिखा है, भैया खुद बता रहे हैं जैसे हल्दी लगाना है, आप सीरियसली कैसे लगाना है? वो सीन देख कर तो मुझे इतना हंसी आया कि पहले पैर पे लगाओ, यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ। कामता गुप्ता जी का कमेंट आया, ऐसे वाला सीन। कामता गुप्ता जी का कमेंट आया, हम तो डेली व्लॉग देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच ब्रदर। आप लोग कुशवाहा है क्या? नहीं जी, कुशवाहा तो नहीं है, कुशवाहा होता क्या वैसे, तुम्हें पता है? कास्ट। ओके, अनमोल जी ने पूछा हमसे, अनिल कुमार जी ने पूछा, आपकी दीदी है जीजा जी पूजा रुद्रा की एंगेजमेंट में दिख नहीं, शादी में कहीं, वो दोनों की शादी में क्यों नहीं? पूजा की शादी में हुआ ये था कि दीदी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, ट्रैवलिंग करने लायक नहीं थे वो, सो दैट कोई नहीं आ पाया था पूजा की शादी में। अब पूजा की शादी का डेट हम आगे नहीं कर सकते थे, ठीक है, जैसे ही पूजा की शादी खत्म हुई फिर हम लोगों को फौरन चंडीगढ़ आना पड़ा, दीदी को भी देखना था, सो वो ठीक नहीं थे। पहले तो मतलब सबके परमिशन के बाद ही डेट उतरा था, बट अब किसका तबीयत कब खराब हो जाए ये पता नहीं होता है। लवली राज ने लिखा है, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ, थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है न्यू रसम देखने में, हमारे यहाँ न्यू धान वाला रसम नहीं होता है, आप लोग की वीडियो देखकर कुछ न्यू जानने को मिला। सीमा राज जी ने लिखा है, ओके थैंक यू, हम लोग तो शादी के गीत इतना ज्यादा पसंद है, हमको लवली को पसंद है यार,
मैं आप लोग की सारी वीडियो देखती हूँ और पूजा रुद्रा का भी। ओके मनीषा, मुझे थैंक यू सो मच। ऑफिस में जाके ऐसे करूँगा, बहुत मुश्किल बड़ी है। अंजलि जी, आपके यहाँ का नहाना, हाँ नहाना नहीं था ना, सीरियसली, और एक ही साड़ी में सारा मौसमी हुआ। जी ने लिखा है कि बहुत मुश्किल हो रहा था, यू आर आई बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा मतलब था। मतलब मैं बता नहीं सकती, हल्दी लगा के 24 आवर्स आपको वैसे ही रहना है, राइट। और सो गाइज, आज का ब्लॉग अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट का हो चुका है, और भी कमेंट किया है, सो प्लीज आप लोग गुस्सा ना करें। हम लोग ऐसे ही बहुत डर डर के कमेंट्स वाला ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। कोई कहेगा तो एक और अभी ब्लॉग डालूंगा, उसमें भी बाकी सारे क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे कल सेम टाइम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना आप लोग।